आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिर्फ एक मौजू है एक इशू है एक कॉन्टेक्स्ट है और उस कॉन्टेक्स्ट के कई पहलू हैं पहले जो पहला पहलू है उस पर बात करेंगे वो ये है कि अभी हाल ही में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर साहब ने एक बयान जारी कर दिया जिसमें उन्होंने कई इलेक्शंस के बारे में बात की उसमें लोकल बॉडीज़ भी और पंचायत इलेक्शंस भी और पार्लियामेंट भी हालांकि यहाँ पे जो लोकल बॉडीज़ और जो पंचायत के इलेक्शंस हुआ करते हैं उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं तो मे बी आई डोंट नो उन्हें शायद उनको उनको इसका भी चार्ज होगा मुझे नहीं मालूम और उन्होंने पार्लियामेंट की बिलखसूस बात की उन्होंने असम्बली इलेक्शन के हवाले से जम्मू कश्मीर में कोई बात नहीं की अब सबसे बड़ी बात अहम बात यह है कि जब उन्होंने बात की वो जो भी बात करते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब की वसात से या डायरेक्शन पे बात करते हैं तो जब उन्होंने असम्बली की बात नहीं की तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की बात को बात से बात मिलाते हुए बात की क्या उनकी डायरेक्शन है से। हम यह मान के चलते हैं क्योंकि जब हमारे भी चलते हैं कि नहीं है लेकिन हमने तीन चार चार दिन पहले की बात है ना शायद ये? चार दिन पहले की बात है हमने चार दिन कोई रिएक्शन नहीं दिया ऐसे जिस तरह से आज हम रिएक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमने सोचा शायद इनसे गलती होगी और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज अ होल वो ये कहेंगे कि इन्होंने गलत कहा ना उन्होंने इस, उन्होंने इसको नकारा नहीं तो हम ये मान के चलते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर साहब हैं उनकी बात से बात मिला ली है अब सवाल खड़ा होता है कि आपने पार्लियामेंट की बात की असेंबली की बात क्यों नहीं की तो इसका जवाब हम सीधा सीधा चाहेंगे क्योंकि हमारा हक बनता है और चूंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है कोई भी कमीशन है ये एक आइन के तहत है वो आइन इस मुल्क को दिया है इस मुल्क के लोगों ने बजीर जी उनके नुमाइंदे सो हमारा वी आर वेरी राइट टू आस्क वी आर वेरी राइट टू से इट कि हमें जवाब दे दीजिए क्या आपने ये डिसाइड कर लिया है कि जम्मू व कश्मीर में असम्बली के इंतबात नहीं होंगे कि इसलिए इसकी कोई बात नहीं चली